गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। ऐसा उम्मीद करते हैं कि आप स्वस्थ होंगे। आज हम अध्ययन करेंगे बंगाल विभाजन। बंगाल विभाजन इसी को हम लोग बंग भंग आंदोलन कहते हैं। बंग भंग आंदोलन कहते हैं या फिर स्वदेशी आंदोलन कहते हैं या फिर स्वदेशी आंदोलन कहते हैं। बंगाल विभाजन को ही हम लोग बंग भंग आंदोलन कहते हैं या स्वदेशी आंदोलन कहते हैं। ठीक। और इसका जो विभाजनकर्ता ये थे गवर्नर जनरल लॉर्ड कर्जन थे। और इसका जो प्रस्ताव जो पास हुआ था ब्रिटिश संसद में प्रस्ताव जो रखा गया था 3 दिसंबर 1903 को रखा गया था। ठीक है। ये प्रस्ताव जो रखा गया 3 दिसंबर 1903 को मान्यता जो मिली थी इसको 19 जुलाई 1905 को इसको मान्यता मिली थी। समाचार पत्रों में ये 20 जुलाई 1905 को आया था। ठीक है। उसके बाद विभाजन कब हुआ था? विभाजन जो इसका स्वीकृत जो हुई थी 16 अक्टूबर 1905 को। एग्जैक्ट डेट है विभाजन की 16 अक्टूबर 1905 को। विभाजन कहता इसके थे गवर्नर जनरल लॉर्ड कर्जन। ठीक है। और उसके बाद प्रस्ताव जो हुआ था 3 दिसंबर 1903 को हुआ था। मान्यता जो मिली थी इसको 19 जुलाई 1905 को मिली थी। समाचार पत्रों में जो प्रकाशित हुआ था 20 जुलाई 1905 को प्रकाशित हुई थी। इसका विभाजन जो हुआ था 16 अक्टूबर 1905 को। ठीक है। अब हम देखेंगे ये बंगाल विभाजन क्यों हुआ था, ये किस किस भाग में बटा था। अब पहले देख लेते हैं बंगाल विभाजन जो बटा था वो दोनों भाग के नाम क्या थे। बंगाल विभाजन जो हुआ था 16 अक्टूबर 1905 को ये दो भागों में हुआ था, बटा था। एक था पश्चिमी बंगाल। ठीक है। और एक था पूर्वी बंगाल। जो पश्चिम बंगाल था इसकी राजधानी कोलकाता थी। इसके जो बनाया गया अध्यक्ष ब्लूमफील्ड फुलर को। और इसका पूर्वी बंगाल की जो राजधानी बनाई गई थी इसकी राजधानी ढाका बनाई गई। इसके जो अध्यक्ष थे एंड्रयूज फेजर थे। ठीक है। ये दो भागों में बटा था, पश्चिमी बंगाल पूर्वी बंगाल। पश्चिमी बंगाल की राजधानी जो कोलकाता थी इसके अध्यक्ष दो ब्लूमफील्ड फुलर थे। और पूर्वी बंगाल जो थी उसकी राजधानी ढाका थी और उसके जो अध्यक्ष थे एंड्रयूज फ्रेजर थे। ठीक है। अब हम देखेंगे बंगाल विभाजन कब रद्द हुआ था। ठीक है। बंगाल विभाजन जो रद्द हुआ था ये 1911 में। और उस समय जो गवर्नर जनरल थे वो हार्डिंग द्वितीय थे। उसके बाद एक किसका ब्रिटिश सम्राट कौन था, वो ब्रिटिश सम्राट जॉर्ज पंचम थे। ठीक है। ये कौन सा दिल्ली दरबार था, ये तृतीय दिल्ली दरबार था। 1911 में दिल्ली दरबार हुआ था। तो विभाजन कब रद्द हुआ था 1911 में, गवर्नर जनरल कौन थे, हार्डिंग द्वितीय थे। और उसके बाद ब्रिटिश सम्राट कौन थे, जॉर्ज पंचम थे। ये कौन सा दिल्ली दरबार था पूछा जाता, तृतीय दिल्ली दरबार था। तो इसमें ये सब घटनाएँ हुई थी। जब बंगाल विभाजन रद्द की बात आई तो रविन्द्र नाथ टैगोर ने
रविंद्रनाथ टैगोर ने क्या मनाया? राखी दिवस मनाया, राखी दिवस मनाया। इसमें यह हुआ कि एक पीले रंग का धागा मुसलमान हिंदुओं ने मुसलमानों की कलाई में बांधा और मुसलमानों ने हिंदुओं की कलाई में बांधा। इसी को बंगालियों ने क्या बोला? इसी को बंगालियों ने बंग भंग आंदोलन, बंग भंग आंदोलन और स्वदेशी आंदोलन, स्वदेशी आंदोलन, स्वदेशी आंदोलन कहा और साथ में रहने की बात कही। ठीक है, और साथ में रहने की बात कही। कोलकाता स्थित 7 अगस्त को, 7 अगस्त 1905 को कोलकाता स्थित कासिम बाजार के टाउन हॉल में, के टाउन हॉल से स्वदेशी आंदोलन की घोषणा की गई, स्वदेशी आंदोलन की घोषणा की गई। ठीक है, कोलकाता स्थित कासिम बाजार में टाउन हॉल था, वहाँ से स्वदेशी आंदोलन की घोषणा की गई थी। ठीक है, शुरुआत में इसका नेतृत्व, इस आंदोलन का नेतृत्व सुरेंद्रनाथ बनर्जी कर रहे थे, सुरेंद्र नाथ बनर्जी कर रहे थे। बाद में इस आंदोलन का नेतृत्व संजीवनी पत्रिका के संपादक, बाद में संजीवनी पत्रिका के संपादक कृष्ण कुमार मित्र, कृष्ण कुमार मित्र, संजीवनी पत्रिका के संपादक कृष्ण कुमार मित्र करने लगे। इन्होंने अपनी पत्रिका के माध्यम से लोगों से अपील की कि ब्रिटिश वस्तुओं का बहिष्कार किया जाना चाहिए। क्या किया? कहा, अपील किया कि ब्रिटिश वस्तुओं का बहिष्कार किया जाना चाहिए और शोक दिवस मनाया जाना चाहिए, और शोक दिवस मनाया जाना चाहिए। इन्होंने अपनी पत्रिका के माध्यम से लोगों को सूचित किया। इसी का समर्थन करते हुए रविन्द्रनाथ टैगोर ने एक जनसभा में कहा कि पश्चिमी सभ्यता के अनुरूप पूर्वी सभ्यता के लोग ऐसा कार्य ना करें। हालांकि उन्होंने समर्थन किया, जबकि कुछ लोगों ने ये कहा कि रविन्द्रनाथ टैगोर ने स्वदेशी आंदोलन के आलोचक हैं। ठीक है, कुछ लोगों ने रविन्द्रनाथ टैगोर को स्वदेशी आंदोलन का आलोचक बताया। 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल विभाजन के दौरान लोगों ने क्या किया कि उपवास रखा और घरों के चूल्हे नहीं जलाए, लोगों ने उपवास रखा और घरों के चूल्हे नहीं जलाए और शोक दिवस मनाया और लोग झुंड के झुंड इकट्ठा हुए और वंदे मातरम गीत गाते हुए लोगों ने गंगा स्नान किया और स्वदेशी आंदोलन और बंग भंग आंदोलन का प्रमुख गीत वंदे मातरम बन गया। ठीक है, 16 अक्टूबर 1905 को लोगों ने क्या किया? उपवास रखा या शोक दिवस मनाया। शोक दिवस के अवसर पर लोगों ने क्या किया? उपवास रखा और घरों के चूल्हे नहीं जलाए। उसके बाद लोगों ने झुंड के झुंड इकट्ठा हुए, वंदे मातरम का गीत गाते हुए लोगों ने गंगा स्नान किया और बंग भंग आंदोलन अथवा स्वदेशी आंदोलन का प्रमुख गीत वंदे मातरम बन गया था। ठीक है, अब हम देखेंगे कहाँ पे स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व कहाँ पे कौन कर रहा था। ठीक, तो जो है मुंबई में स्वदेशी आंदोलन का जो नेतृत्व
स्वदेशी आंदोलन का जो नेतृत्व मुंबई में बाल गंगाधर तिलक कर रहे थे, और पंजाब और उत्तर प्रदेश में लाला लाजपत राय और अजीत सिंह कर रहे थे। ठीक है, मद्रास में जो स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व कर रहे थे चिदंबरम पिल्लई कर रहे थे, और दिल्ली में जो स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व कर रहे थे सैयद हैदर रजा खां, ये दिल्ली में नेतृत्व कर रहे थे स्वदेशी आंदोलन का। यह बहुत ही लंबा आंदोलन चला। उसके बाद 1911 में जब जॉर्ज पंचम ने इसके विभाजन की घोषणा कर दी, तब ये आंदोलन खत्म हो गया, समाप्त हो गया। तो इसका जो विभाजन कब रद्द हुआ था, 1911 में रद्द हुआ था। इसके उस समय ब्रिटिश सम्राट कौन था, जॉर्ज पंचम थे। कौन सा दिल्ली दरबार था, तृतीय दिल्ली दरबार था जब विभाजन रद्द हुआ था। और गवर्नर जनरल लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय थे। गवर्नर जनरल लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय थे। ठीक है, जब ये विभाजन रद्द हो गया तो इस समय क्या नाम है, लोग स्वदेशी आंदोलन को समाप्त कर दिए। और इसी समय क्या हुआ था, 1907 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने स्वदेशी आंदोलन के दौरान ही लोगों ने क्या किया, 1907 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विभाजन हो गया था 1907 में, जिसको सूरत विभाजन भी कहते हैं। स्वदेशी आंदोलन के दौरान भी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विभाजन हो गया था, जिसे सूरत विभाजन कहते हैं। यह दो भागों में बटा था, एक गरम दल में बटा था और दूसरा नरम दल। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 1907 में दो भागों में बट गई थी। तो इसका समरी यही है कि बंगाल विभाजन किसके कार्यकाल में हुआ था, मतलब प्रस्ताव कौन रखा था, तो इसका प्रस्ताव गवर्नर जनरल लॉर्ड कर्जन ने रखे थे। इसका उसके बाद प्रस्ताव जो संसद ब्रिटिश संसद में कब रखी गई थी, 3 दिसंबर 1903 को रखी गई थी। उसके बाद प्रस्ताव पे जो डिसीजन हुआ उस पर 19 जुलाई 1905 को, और जो समाचार पत्रों में आया वो 20 जुलाई 1905 को पत्रों में आया। जो मेन रूप से विभाजन हो गया वो 16 अक्टूबर 1905 को हुआ। और उसके बाद दो भागों में बटा, पूर्वी बंगाल और पश्चिमी बंगाल। पूर्वी बंगाल के राजधानी ढाका बनाई गई, पश्चिम बंगाल की राजधानी कहाँ बनाई गई, कोलकाता बनाई गई, पूछा भी जाता है। ठीक है, उसके बाद इसको विभाजन रद्द किसने किया, ये भी पूछा जाता है। तो विभाजन कब रद्द हुआ, बंगाल विभाजन तो 1911 में रद्द हुआ। किसने किया, तृतीय दिल्ली दरबार में ब्रिटिश सम्राट जॉर्ज पंचम ने किया था। उस समय गवर्नर जनरल कौन था, ये भी पूछा जाता है। तो हार्डिंग द्वितीय थे उस समय के गवर्नर जनरल। ठीक है, राखी दिवस कब मनाया गया, बंगाल विभाजन के दौरान ही रविन्द्रनाथ टैगोर ने राखी दिवस मनाया। उन्होंने क्या किया, पीले रंग का धागा हिंदुओं ने मुसलमानों को बांधा, मुसलमानों ने हिंदुओं को बांधा, और एक साथ रहने की बात कही। और इसी को बंगालियों ने बंग भंग आंदोलन अथवा स्वदेशी आंदोलन का नाम दिया। और जब कोलकाता स्थित कासिम बाज़ार में वहाँ पे एक टाउन हॉल था, वहाँ से ये घोषणा की गई कि स्वदेशी आंदोलन अब शुरू किया जाए। तो शुरुआत में इस आंदोलन का नेतृत्व सुरेंद्रनाथ बनर्जी कर रहे थे। बाद में संजीवनी पत्रिका के संपादक जो थे कृष्ण कुमार मित्र ने इसका आंदोलन का नेतृत्व करने लगा। उन्होंने पुस्तिका के माध्यम से लोगों से कहा कि ब्रिटिश वस्तुओं का बहिष्कार किया जाना चाहिए और शोक दिवस मनाया जाना चाहिए, जिसका समर्थन रविन्द्रनाथ टैगोर ने एक जनसभा में करते हुए ये कहा कि
पश्चिमी सभ्यता के अनुरूप पूर्वी सभ्यता के लोगों को ऐसा कार्य नहीं करना चाहिए जिससे कुछ लोगों ने रविन्द्रनाथ टैगोर को स्वदेशी आंदोलन का आलोचक बताया। जब 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल विभाजन हो गया तो लोगों ने शोक दिवस मनाया, शोक और उपवास रखा, लोगों ने अपने घरों के चूल्हे नहीं जलाए। उसके बाद लोगों ने झुंड का झुंड इकट्ठा हुए और गंगा स्नान किए और वंदे मातरम का गीत गाते हुए गंगा स्नान वो लोग किए थे। स्वदेशी आंदोलन अथवा बंग भंग आंदोलन का प्रमुख गीत वंदे मातरम बन चुका था। स्वदेशी आंदोलन का जो नेतृत्व मुंबई में बाल गंगाधर तिलक कर रहे थे, पंजाब और उत्तर प्रदेश में लाला लाजपत राय और अजीत सिंह कर रहे थे, मद्रास में चिदंबरम पिल्लई कर रहे थे, दिल्ली में स्वदेशी आंदोलन का जो नेतृत्व कर रहे थे वो कौन कर रहे थे, सैयद हैदर रजा खां कर रहे थे। ये आंदोलन काफ़ी लंबा चला। उसके बाद 1911 में हर्डिंग द्वितीय के कार्यकाल में जॉर्ज ब्रिटिश सम्राट जॉर्ज पंचम ने तृतीय दिल्ली दरबार में बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया। उसके बाद लोगों ने स्वदेशी आंदोलन को बंद कर दिया गया। बंगाल विभाजन के दौरान ही 1907 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस दो भागों में बट गई थी। वो थी, एक थी नरम दल, दूसरी गरम दल थी, जिसको लोग सूरत विभाजन भी कहते हैं। ओके, थैंक यू।